ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला नौवा। गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन। कहो नानक हर भज मना जेह बिद जल कौ मीन। बेखियन स्यो काहे रचयो निमख न हो हे उदास। कहो नानक पज हर मना पर न जम की फास। तरना पो यो ही गयो लियो जरा तन जीत। कहो नानक पज हर मना आउद जात है बीत। बिरद पयो सूजै नहीं काल पहुँचो आन। कहो नानक नर बावरे क्यों न पजै भगवान। तन दारा संपत सगल जिन अपनी कर मान। इन मैं कस संगी नहीं नानक साची जान। पतत उदारन पहरन हर अनाथ के नाथ। कहो नानक ते जानिए सदा बस्त तुम साथ। तन तन जेह तो कौ दियो ता स्यो नेहु नकीन। कहो नानक नर बावरे अब क्यों डोलत दीन। तन तन संपै सुख दियो अर जेह नीके ताम। कहो नानक सुन रे मना सिमरत काहे न राम। सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोय। कहो नानक सुन रे मना तेह सिमरत गत होय। जेह सिमरत गत पाईए तेह भज रे तै मीत। कहो नानक सुन रे मना औद कटत है नीत। पांच तत् को तन रचयो जानहु चतर सुजान। जेह ते उपजयो नानका लीन ताहे मैं मान। काट काट मैं हर जू बसै संतन कहे उपकार। कहो नानक तेह भज मना पाओ निद उतरह पार। सुख दुख जेह पर सै नहीं लोभ मोह अभिमान। कहो नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान। उस्तत निंदया नाहि जेह कंचन लोह समान। कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहि तै जान। हरख सोग जा कै नहीं बैरी मीत समान। कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहि तै जान। पै काहू कौ देत नह नह पै मान त्यान। कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहि बखान। जेह बेखिया सगली तजी लियो पेख बैराग। कहो नानक सुन रे मना तेह नर माथै भाग। जेह माया ममता तजी सब ते पयो उदास। कहो नानक सुन रे मना तेह घट ब्रह्म निवास। जेह प्राणी हौ मैं तजी करता राम पछान। कहो नानक वह मुक्त नर एह मन साची मान। पै नासन दुर मत हरन कल मैं हर को नाम।
निस दिन जो नानक भजै सफल होहि ते काम। जेह बागुन गोबिंद भजह करन सुनह हर नाम। कहो नानक सुन रे मना परह न जम कै ताम। जो प्राणी ममता तजै लोभ मोह अहंकार। कहो नानक आपन तरै और न लेत उदार। जो सुपना अर पेखना ऐसे जग कौ जान। इन मै कस साचो नहीं नानक बिन भगवान। निस दिन माया कारने प्राणी डोलत नीत। कोटन मै नानक को नारायण जेह चीत। जैसे जल ते बुद बुदा उपजै बिन सैनीत। जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। प्राणी कछु न चेतई मद माया कै अंद। कहो नानक बिन हर भजन परत ताहि जम फंद। जो सुख कौ चाहै सदा शरण राम की लेह। कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख देह। माया कारण तावही मूर्ख लोग अजान। कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान। हर जन हर अंतर नहीं नानक साची मान। मन माया मैं फद रहो बिसरो गोबिंद नाम। कहो नानक बिन हर भजन जीवन कौने काम। प्राणी राम न चेतई मद माया कै अंद। कहो नानक हर भजन बिन परत ताहि जम फंद। सुख मै बहु संगी पए दुख मै संग न कोय। कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होय। जन्म जन्म पर मत फिरयो मिटयो न जम को त्रास। कहो नानक हर भज मना निरपै पावह बास। जतन बहुत मैं कर रहयो मिटयो न मन को मान। दुर्मत स्यो नानक फदयो राख ले हो भगवान। बाल जवानी अर बिरद फुन तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। करणो हो तो सुना कियो परयो लोभ कै फंद। नानक समयो राम गयो अब क्यों रोवत अंद। मन माया मै राम रहयो निकसत नाहिं मीत। नानक मूरत चित्र ज्यो शाड़त नाहिं पीत। नर चाहत कछ और की और पई। चितवत रहे उठ गौर नानक फांसी गल परी। जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोय। कहो नानक सुन रे मना हर पावै सो होय। जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम। कहो नानक मन सिमर तेह पूरन हो वह काम। झूठा मान कहा करे जग सुपने जो जान।
इन मैं कछ तेरो नहीं, नानक कहे उबखान। गर्व करत है देह को बिन सैशिन मैं मीत, जेह प्राणी हर जस कहे ओ नानक ते जग जीत। जेह घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जेह प्राणी कै नाहि मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहि तन। स्वामी को गृह ज्यो सदा, स्वान तजत नहीं नित। नानक एह बेद हर भजाओ, एक मन होए एक चित। तीर्थ बरत अर दान कर, मन मै तरै गुमान। नानक नेह फल जात तेह, ज्यो कुंचर इसनान। सिर कंप्यो पग डग मगे, नैन जोत तेहीन। कहो नानक एह बिद पई, तउ न हर रस लीन। निज कर देखियो जगत मैं, को काहू को नाहे। नानक थिर हर भगत है, तेह राखो मन माहे। जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत। कह नानक थिर नार है, जो बालू की पीत। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवार। कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यो संसार। चिंता ता की जिया, जो अनहोनी होए। एहो मार्ग संसार को, नानक थिर नहीं कोय। जो उपजो सो बिनस है, परो आज कै काल। नानक हर गुण गाय ले, शाड सगल जंजाल दोहरा। बाल छुट क्यों बंधन परे, कछु न होते उपाय। कहो नानक अब ओट हर, गज ज्यो हो सहाय। बाल होआ बंधन छुटे, सब किश होते उपाय। नानक सब किश तुमरा हाथ में, तुम ही होत सहाय। संग सखा सब तज गए, को निभाओ साथ। कहो नानक एह बिपत मैं, टेक एक रघुनाथ। नाम रहो साधु रहो गुर गोबिंद। कहो नानक एह जगत मैं, किन जपयो गुर मंत। राम नाम और मैं गहयो, जा कै सम नहीं कोय। जेह सिमरत संकट मिटै, दरस तुहारो। मुंदावनी महला पंजवा, थाल विच तिन वस्तु पइयो। सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो। जिसका सबसे आधारो, जे को खावे जे को पुंचै, तिसका होए उदारो। एह वस्त तजी ना जाई, नित नित राखे और तारो। ताम संसार चरण लग तरिया, सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवा, तेरा कीता जा तो नाही। मैनो जोग की तोई, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही। आपे तरस पयोई, तरस पया मेहराम तोई। सत गुर सज्जन मिलया, नानक नाम मिला ता जीवा। तन मन थीवै
ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप है आठो नंदन प्रथम राग पैरो वै करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम पैरवी बिलावली पुण्य आकी गावह बंगली पौने असली की पई बारी ए पैरो की पाचौ नारी पंचम हरख दिशाख सुनावह बंगालम मद माधव गावह ललत बिलावल गावही अपनी अपनी पात अष्ट पुत्र पैरव के गावह गायन पात्र द्वितीया माल कौशिकया लापह संग रागनी पाचौ थापह गोंड करी अर देव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनासरिये पाचौ गाई माल राग कौशक संग लाई मारू मस्त अंग प्रबल चंड कौशक उभारा खाओ खट आओ पौरा नद गाए अष्ट माल कौशक संग लाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठ है तान कलोल गायन तार मिलावही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई स्रस हिरी लै पार जा संग लाई सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगल न सुहाए स्रस बाने गावह स्रस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी पुने आई दीपक की बारी कशेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी आओ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतले आओ रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौराओ कानरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग वह गावह पांचों संग बरंगन लावह बैरारी करनाटी गवरी गावह आसावरी तेह पाछ सिंधवी अलापी श्री राग स्यो पांचों थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर खष्टम राग वह गावह पांचों संग बरंगन लावह सोरठ गोंड मलारी तुनी पुन गावह आसा गुण गुनी ऊंचाय सुर सूहो पुन कीनी मेघ राग स्यो पांचौ चीनी बैरा तर गज तर केदारा जबली तर नट औ जल पुन गावह संकर औ श्यामा मेघ राग पुत्रन के नामा खष्ट राग उन गाए संग राग नीतीस सब पुत्र रागन के अठारह दस बीस राम कली सद एको ओंकार सतगुर प्रसाद जागी दाता सो ए भगत वछल ते हो लो ए जीओ गुर शब्द समावे अवर न जाने को ए जीओ अवरो न जाने है शब्द गुर कै को नाम ते आवहे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावहे आया हकारा चलन वारा हरि राम नाम समाया जागी अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया
हर पाना गुर पाया गुर जावै हर प्रभ पास जीओ सतगुर करे हर पह बेनती मेरी पैज रखह अरदास जीओ पैज रखह हर जनहा केरी हर देहो नाम नरंजनो अंत चल दिया होए बेली जमदूत काल नखंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जीओ हर धार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कह साबास जीओ मेरे सिख सुन हो पुत पाई हो मेरा हर पाना आओ मैं पास जीओ हर पाना गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जीओ भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाना पावे आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मेलावे तुसी पुत पाई परवार मेरा मन वेखह कर निरजास जीओ तोर लिखिया परवाना फिरै नाही गुर जाए हर प्रभ पास जीओ सतगुर पाणै अपनै बह परवार सदाए आ मत मैं पिछै कोई रोव सी सो मैं मूल न पाया मित पैजै मित बिगसै जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत पाई हर सतगुरु पैनावे सतगुरु परतख होदै बहराज आप टिकाए आ सब सिख बंधप पुत पाई रामदास पैरी पाया अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करे आहो निर्वाण जीओ केसो गोपाल पंडित सद्या हर हर कथा पढ़े पुराण जीओ हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेवान हर रंग गुर पावे पिंड पत्तल क्रिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जीओ रामदास सोढ ही तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जीओ सतगुर पुरख जे बोलिया गुर सिखा मन लई रजाए जीओ मोहरी पुत सन मुख होया रामदास पैरी पाए जीओ सब पवै पैरी सतगुरु केरी जिथै गुरु आप रखेया कोई करब खीली निवै नाही फिर सतगुरु आन निवाया हर गुर है पाणा दी वडियाई धुर लिखिया लेख रजाए जीओ कह सुंदर सुनहु संत सब जगत पैरी पाए जीओ ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय पातशाही बारहवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कारण औ निद्या वै धाय दसम पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सब थाई होए सहाय श्री सतगुरु बालक सिंह सिमरिया धर्म का मार्ग दिया बताए अकाल पुरख अंतरयामी श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जम तो लिया छड़ाए जोत का जामा श्री सतगुरु हरी सिंह सिमरिया टुट्टी लई मिलाए अटल प्रतापी श्री सतगुरु प्रताप सिंह सिमरिया सुच सोध नाम बाणी का प्रवाह दिता चलाए सर्बकला समर्थ श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी सिमरिया जन्म मरण दुख जाए सतगुरु जी सब थाई होवो सहाय
गुरु जी के चार साहबजादे पंज प्यारे चाली मुक्ते अस्सी शहीद बेअंत शहीदां दी कमाई वल ध्यान धरके आप जी का पवित्र नाम चेता आवे। सतगुरु जी पातशाह असी सदा ही भुलण हार जीव हाँ, आप सदा बख्शिंद पिता हो, दरों करों सिखी सिदक बख्श बेमुख हो के ना मरिए। पातशाह धरती ते धर्म वरताओ कुल सृष्टि आप जी का नाम जपे, कोई दुखिया रही ही ना। सतगुरु जी गऊ ते गरीब दे कष्ट नू दूर करो, महामलीश का नाश करो, अपने संत खालसे का प्रकाश करो। प्रार्थना आप जी के चरणों में गरीब नवाज साडा धर्म बनिया रहे। दीना बंधु गरीब नवाज सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह आप जी की कृपा दे नाल आप दियां प्यारियां संगतां इकत्तर होके आप जी के पावन पवित्र नाम का सिमरन किया, आप जी के दर्शन निमित दर्शन की दात बख्शो। श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह आप जी का पावन पवित्र उपदेश साध संगत ने सरवण किया, कृपा करो साडे हिरदयां ते वसे। दीना बंधु गरीब नवाज सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह आप जी के पावन चरणों में समूह साध संगत की अरदास है। आप जी के दर घर के सिख सेवक सरदार भगवंत सिंह श्री चावला, मोहन सिंह डेलों, रविंदर कौर, बीबी प्रीतम कौर आप ही दिती आज उन्होंने भोग के सा सार मातलुक तो चलाना कर गए ने। सच्चे पातशाह नसीरां दीआं जीव आत्मा नूं अपने चरणों में निवास बख्शो, पिछे परिवारों नूं भाणा मनण का बल बख्शो। गरीब नवाज सच्चे पातशाह पावन पवित्र गुरबाणी श्री आदि ग्रंथ साहब के 25 पाठां दे भोग पाए गए ने। तीन पाठ श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह आप जी के दर्शनों निमित्त, तीन पाठ श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी की पावन पवित्र याद में, एक पाठ माता चंद कौर जी की याद में, दो पाठ श्री सतगुरु जी की चढ़ती कला लई, एक एक पाठ सरदार भगवंत सिंह श्री चावला, मोहन सिंह डेलों, बीबी रविंदर कौर कला ते बीबी प्रीतम कौर दे सच्चे पातशाह इस पढ़ी सुनी गुरबाणी का महात्मा इन्हां सीरां दी जीव आत्मा नूं प्राप्त होवे। एक एक पाठ सरदार दर्शन सिंह, जसवंत सिंह, गुरदेव कौर, हरप्रीत कौर, गुरदेव कौर ससुराली निमित्त वरीणे का, एक एक पाठ सरदार श्रीमान पंडित गोपाल सिंह जी, पंडित गुरचरण सिंह जी, मास्टर दर्शन सिंह जी, हरदेव सिंह, बलविंदर सिंह, प्यारा सिंह ते भुपिंदर सिंह दी याद विच। सच्चे पातशाह तो कखर वादा घाटा बख्श लो, पढ़ी सुनी गुरबाणी अपने दर ते प्रवान करो, आई साध संगत दी हाजरी दर प्रवान करो। गरीब नवाज सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह आप जी दी बख्शिश कीतियां दातां विचों अमृतमई कड़ा प्रसाद की देग हाजर, आप जी को भोग लगे सीत प्रसाद आप जी की संगत को मिले। भंडार अतुट हो के वरते जो छके, आप जी का नाम जपे ना विसरो ना विसारो, रख लो बख्श लो दियो दीदार, श्री सतगुरु राम सिंह नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबदा भला। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सोरठ महला नौवा रे नर एह साची जी अतार, सगल जगत है जैसे सुपना, बिनसत लगत न बार रहाओ। बारू पीत बनाई रच पच, राहत नहीं दिन चार, तैसे ही यह सुख माया के, उर्जियो कहा गवार। अजहू समझ कछ बिगड़ियो नाहिन, भजले नाम मुरार। कहो नानक निज मत साधन को, भाख्यो तोहे पुकार। परम आदरणीय सतगुरु जी की साजी निवाजी साध संगत, सब माई भाई सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बख्शिश नाल नाम सिमरन का, सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र उपदेश का, सतगुरु सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र गुरबाणी का ये महान लाहा प्राप्त कर रहे सी।
आप जी दीयां रसना आप जी का मन सतगुरु जी की कृपा नाल पवित्र होया पिया है। मैं अर्ज़ करांगा कि दास नूं कुछ मिनट अर्ज़ा करन वास्ते योग्यता बख्शन लई एक बार कृपा करो। सब गज के कहो धन श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी। एक बार फिर कृपा करो सब गज के कहो धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी। अज सतगुरु सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी विच 25 सधारण पाठां दे भोग पाए गए ने। इन्हां दे विच्चों कुछ पाठ अजिहे हन जिहड़े शरीर कुछ दिन पहलां साडे विच हसते खेडते गल्लां बातां करते कम धंधा करते सन, पर काल दे वार सदका वह साढ़े नालों सदीवी तौर पर विछड़ गए। शरीर करके विछड़े हुए उन्हां प्राणियों के निमित्त भोग पाए गए ने, जिन्हां विच्चों मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहवांगा भगवंत सिंह जी श्री चावला। ये वो नौजवान जिसका हाले विकास का समा सी, खेड़े का समा सी, सुभाष वंडन का समा सी, पर रजा है पातशाह गुरबाणी फुरमान करते ने, नह बारिक नह जोबन नह बिरधि कशबंध, ओह बेरा नह बूझिया जो आए परै जम फंध। पता नहीं किस वेले किस दा समा किस थां ते किस ढंग नाल आ जाना, इस बारे किसी नूं कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि मौत कोई दूरों नहीं आउंदी, मौत असल विच साडे कोल है। पातशाह फरमान करदे ने मृत हसै सिर उपरे पशुआ नहीं बूझै। तो यह भी बचन किया है साहिबगुरु तेग बहादुर पातशाह ने, काल ब्याल ज्यो परयो डोलै मुख पसारै मीत। तो इस वास्ते समा है, पता नहीं किस दा किस वेले आ जाना। वो नौजवान साडे विच नहीं रहे, उस नौजवान दे बारे मैं केवल इन्नी गल करांगा कि वो दो परिवारां दा अहम रुकन, दो परिवार उसका नानका परिवार उसका दादका परिवार, जिन्हां नूं सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच्चों वड्डा माण वड्डा प्यार वड्डा सत्कार जिहड़ा है वह प्राप्त होया। मेरी मुराद सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी अपने पवित्र उपदेश विच एक बचन करते हैं कि सेठ फूला सिंह जी नहीं संत फूला सिंह जी। ओ संत फूला सिंह जी जिन्हां दे सपुत्र सन सेठ त्रिलोक सिंह जी और सेठ त्रिलोक सिंह होरां दे पोतरे सन ये भगवंत सिंह जी, जिहड़े कुछ दिन पहला साडे तों विछड़ गए हैं। इस परिवार नूं ये वड्डा माण हासिल है कि उन्होंने जिथे श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी की सेवा करके, करीब नवाज श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी की सेवा करके सतगुरु जी के चरणों विच्चों खुशियां प्राप्त कीतियां, उत्थे नामधारी पंथ के प्रसिद्ध साधु महान साधु श्रीमान संत फौजा सिंह जी, संत रतन सिंह जी लांगरी आदिक महापुरशां की भी सेवा करके उन्होंने अपनी जीवन का लाहा खटिया। देश की आज़ादी के कोल विच इस परिवार का वड्डा योगदान रहा। आज़ाद हिंद फौज के नाल इन्हां दे सेठ त्रिलोक सिंह जी दे बड़े नेड़े दे संबंध रहे, विस्थार विच जाण दा समा नहीं। दूसरे पासे उन्हां दा नानका परिवार संत ज्ञान सिंह जी, जिहड़े उस वेले दे बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर हुंदियां होयां, एक उन्हां नूं संत कहा जा सकदा कि आधुनिक पढ़ाई का प्रभाव तकरीबन मनुख ते पै जांदा है जदों, ते उदों बुद्धि बल जदों उच्चा उठदा ते आत्मिक बल मनुख दा घटदा है। पर सतगुरु जी की कृपा नाल कुछ लोग अजे हुंदे ने जिहड़े अपने आत्मिक बल नूं कमज़ोर नहीं पैण दिंदे बुद्धि बल दे अगे। सो इस वास्ते वो वड्डा परिवार हंसपाल जी का, संत हरविंदर सिंह सरदार हरविंदर सिंह जी हंसपाल, इन्हां दे बजुर्गों की जे किते गल करिए ते बाबा ठाकुर सिंह जी बाठां वाले पिंड तो उठ के कदी 1893 दे विच इत्थे आण के श्री भैणी साहिब विच खरास दी
जिहड़ी निर्माण है वह करते ने खरास लाते ने साध संगत दे लंगर छकण वास्ते आटा पीसण वास्ते उस वेले दियां इन्हां दियां वड्डियां सेवावां इस परिवार ने सतगुरु जी दियां वड्डियां खुशियां प्राप्त कीतियां। सो ये दो सतगुरु जी दे वरोस आए हुए खुशियां दे पात्र परिवारां दा ये अहम रुकन भाव नानका परिवार भी दादका परिवार भी दोवें वड्डे परिवारां दा ये अहम रुकन साडे विच्चों चला गया है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी बख्शिश करन उहनां नूं अपने चरणां विच निवास बख्शण और सतगुरु सच्चे पातशाह जी की बख्शिश बनी रहे ये दोवें परिवार सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र चरणों नाल जुड़े रहन। हुण मैं एक दो होर शख्सियतों के बारे में आप जी नाल विचार करनी चाहवागा जिन्हां विच्चों ज्ञान मारतंड श्रीमान पंडित गोपाल सिंह जी नामधारी पंथ ही की पूरे सिख समाज ही की हिंदू समाज के भी एक जाणिया पछाणिया नाँ है श्रीमान पंडित गोपाल सिंह जी। अज भी कितने किसी इलाके जाइदा तो वो लोग कहें ने कि नामधारियों में एक पंडित जी सन असी उन्होंने दीवान सुने पुराने बुजुर्ग अज भी उन्होंने यादा अपने हिरदे में समाई बैठे ने जदों वो गल करते हैं वह गद गद हो जाते हैं प्रशंसा नाल उन्होंने मन जड़ा है वह द्रवित हो जाता है कि वह किहो जिहे लोग सन। मैनू श्रीमान पंडित जी के चरणों में तकरीबन 10 साल रहण दा मौका प्राप्त होया। श्रीमान पंडित जी एक ओ महान शख्सियत सन जिन्हां दे बारे मैं सिर्फ एक दो गल्लां करनियां चाहवांगा बहुता समा नहीं। उन्हां दी सब तो वड्डी गल ए सी कि ओ सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे सदा ही हुक्म विच रहे। ओ क्या करदे सन कि काका मेरा जीवन भावें जो मर्जी भी कोई कहे पर मेरा जीवन सतगुरु जी नूं समर्पित है। मैं अपना कोई भी जिहड़ा तत् है वह सतगुरु जी कोलों कदे लुका के नहीं रखिया। मैं सतगुरु जी अगे झूठ नहीं बोलना जो मर्जी हो जाए। इस तरह की उन्हां दी बिरती सी। सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी ने उन्हां नूं निवाजिया सतगुरु साजिया और सतगुरु जगजीत सिंह जी ने निवाजिया। गरीब रवाज सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी बचन कर दे कि जिन्ना प्यार पंडित जी नूं सतगुरु प्रताप सिंह जी ने दिता असी उन्ना प्यार नहीं दे सके। ये सच है कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अपने पुत्रां वांगू और पुत्रां नालों भी कई बार वध उन्हां नूं प्यार दिता। और सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी भी ये वचन किया कि असी पंडित जी नाल निभाउणी आ और सचमुच निभा के विखाई। पंडित जी भी एक शख्सियत सन जिन्हां दा उन्हां नाल प्यार बनिया। एक बारी जिहड़ा पंडित जी दे नेड़े आ गया वह पूरी जिंदगी भर पंडित जी तो दूर नहीं जा सकिया। वह पंडित जी दे नाल प्यार उन्हां दा बरकरार रहा। उन्होंने लखां लोगों नूं हज़ारा नहीं लखां लोगों नूं सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जी दे झंडे थले लियांदा। ये एक बहुत वड्डी गल है। जे कुछ शरीरां दा जिक्र कर लिया जाए नामधारी पंथ विच ते बहुते ज़्यादा शरीर नहीं जिन्हां ने ऐसा कार्ज कीता जिन्हां विच्चों श्रीमान संत अतर सिंह जी का जिक्र किया जा सकता है कि संत अतर सिंह जी ने भी लखां लोगों नूं भजन दिता सी। उन्हां ते भी बहुत वड्डी कृपा सी और पंडित जी भी उस परंपरा नूं अगे निभाउंदे होए लखां लोगों नूं नाम सिमरन नाल जोड़िया सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे चरणां नाल जोड़िया। ये उन्हां दी बहुत वड्डी गल सी और सब तो वड्डी गल उन्हां दी ए सी कि वह हुक्म प्रति किन्ने समर्पित सन। 1998 मैं पंडित जी की शरण में आया सतगुरु सच्चे पातशाह जी के हुक्म अनुसार और 98 ही अस्सू के मेले ते ही सतगुरु सच्चे पातशाह जी की हजूरी उन्होंने आखिरी दीवान संत कृपाल सिंह झब्बर होरी जिहड़े सेवक सन हजूरी सेवक सन उन्होंने भोग ते लाया। सतगुरु जी हुक्म कर दिता पंडित जी हुण दीवान नहीं लाउणा। और मैं ये समझदा इस गल नूं जिहड़ा मनुख फिरन तुरन वाला जे उहनूं कोई आखे बैठ जा तो वह बह नहीं सकता। जिहड़ा कोई बुला रहा उन्हूं कोई आखे कि तू हुण बोलिया ना कर भाषण ना दे जां दीवान ना ला तो यह भी नहीं हो सकता। राजनीतिक बंदे नूं कहो कि तू हुण बैठ जा हुण तू बजुर्ग हो गया तो वह नहीं बैठ सकता। कदे भी नहीं हुंदा इस तरह। पर पंडित जी दे विच एक खासियत सी कि पंडित जी ने अपनी जिंदगी दे ओ 10 वरे सतगुरु जी दे हुक्म अनुसार एक कमरे में ही निभा दिते और लुधियाने तक अपने परिवार को मिलने वास्ते भी जे वह गए ने
तो वह सतगुरु सच्चे पातशाह जी तो इजाजत लैके गए ने अपने आप कदे नहीं गए। केवल तो केवल उन्होंने इजाजत ली हुई सी कि मैं श्रीमान संत भूरी वाले संत सुंदर सिंह जी जेडे उन्होंने भजन गुरु सन उन्होंने स्थान पर मैं जाना तो जे आप जी की इजाजत हो मैं थोड़ा बहुता उत्थे उन्होंने श्रद्धा सुमन भेंट कर आया करा। उन्हां वल्लों सतगुरु सच्चे पातशाह जी की इजाजत भी सी और सतगुरु सच्चे पातशाह जी के हुक्म अनुसार वो जाते सन थोड़ा बहुत समा बोलते भी सन पर बाकी थावां ते नहीं। एक बहुत वड्डी गल सी पर इस तरह बैठिया होया भी कदी पंडित जी ने किसी नाल कोई किसी किस्म का गिला नहीं किया। यह बहुत वड्डी गल है कदे भी गिला नहीं किया कि मैं तो हाले दीवान ला सकता सा मैनू क्यों रोक दिता गया। पर पंडित जी ये बचन करया करते सन काका मैं परम सुखी हाँ ये बचन करते सन मैनू सतगुरु जगजीत सिंह जी ने परम सुखी रखिया मैं परम सुखी हाँ। और सचमुच ही वह सतगुरु जी के लाडले प्यारे सन जिन्हां वास्ते सतगुरु जगजीत सिंह जी ने यह बचन किए कि अज ज्ञान का सूरज साढ़े चो जा रहा है सो साडे वर्गे निमाणे निकर्मण जी सानू माण हासिल है इस गल का कि असी पंडित जी की शरण में रहे उन्होंने चरणों में रहे और पंडित जी ने माता पिता नालों वध प्यार सानू दिता यह एक बहुत वड्डी उन्हां दी गल सी। दूसरी हस्ती दा मैं जिक्र करना चाहवागा वह भी मेरे विद्या गुरु ने श्रीमान पंडित गुरचरण सिंह जी वड्डी हस्ती सन पंडित परिवार विच उन्हां दा आगरे विच जन्म होया ते पिता जिहड़े सन वह वैद शास्त्री सन वैद सन किसी कारण करके वैदिक करदिया होया उन्हां दी अपनी खाधी हुई टैसट की दवाई उन्हां दे शरीर ते उल्टा असर कर गई जिस दी बदौलत वह छोटी जी उम्र विच ही चढ़ाई कर गए। सत कु साल दे पंडित जी सन उस वेले छोटी जी उम्र विच वह घरों निकल तुरे क्योंकि माँ ने आख्या सी पुत्र वैदगी नहीं करनी तू भावें मंग के खा लई पर इस पासे ना तुरी घरों निकल तुरे किते होटलों ते भांडे भी मांजे कई कुछ जफर जालने पे छोटी जी उम्र विच पर नामधारी पंथ की सुप्रसिद्ध हस्ती मानयोग सन्मानयोग हस्ती श्रीमान सूबा मेवा सिंह जी जिहड़े गुरदासपुर के सूबा जी सन जिहड़े जिन्हां नूं माण हासिल है जथेदार सेवा सिंह जी दिल्ली वालियां दे विद्या गुरु होण दा उन्होंने उन्होंने एक होटल तो लिया के सिख बनाया उन्होंने पाठ सिखाया और सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी की हजूरी विच जिथे उन्होंने छोटी जी उम्र विच पाठ रहरास दा सुना के खुशियां लईयां उत्थे 1996 बिक्रमी नूं सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी की हजूरी विच होण वाले जिहड़े पाठ मुकाबले सन जिहदे विच संत ज्ञानी तेजा सिंह जी निर्मले जज सन उस महान मुकाबले दे विचों वह पहले नंबर ते आए उन्होंने बड़ा माण हासिल सी। पर सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा नाल एक उन्हां दी होर बड़ी वड्डी सिफत सी जिहड़ी मैं आप जी नाल सांझी करनी चाहवांगा। उन्होंने सारी उम्र बेहंगमियां तौर ते विचरे ने अपना घर नहीं बनाया। साडे कोल एक पिंड है मेरे पिंड दे नाल ही चाकां वाली पिंड दा नां है नामधारी उस नूं संतां वाली करके जाणदे ने वह संतां वाली पिंड विच सूबा साधू सिंह जी हुंदे सन उन्हां दे करके उन्हां नूं संतां वाली उस पिंड नूं आखदे सन। वह सूबा साधू सिंह जी दे घरे रहा करदे सन। एक दिन समा इहो जिहा आया कि उन्होंने बुखार हो गया तो बुखार वधदा वधदा हालत इहो जिही हो गई कि उन्हां दी हालत जिहड़ी सी मंजे ते ही पए रह गए ते इन्ने बीमार सन कि कोई दवाई कम नहीं सी कर रही मरन वाली स्थिति सी। उन्हां दे कोल सूबा जी दे कोल सारी तरह के साधु आउंदे सन। एक दिन एक निहंग सिंह आ गए वह कहण लगे सूबा जी जे तुसीं कहो तो मैं अरदास करां तो पंडित जी राजी हो जाण। वह कहण लगे ठीक है कर दिओ। वह हाले अरदास करन ही लगे सन तो पंडित जी को बोलिया भी नहीं सी जांदा उन्होंने सूबा जी ने इस तरह हाथ ला के आख्या सूबा जी मेरी अरदास ना करवायो मेरी अरदास ना करवायो। कहन लगे की गल पंडित जी तुसी ठीक हो जाओगे। कहन लगे जेड़ी अरदास विच मेरे सतगुरु का नाम नहीं लिया जाना मैं उस अरदास नाल ठीक नहीं होना चाहुंदा। इहो जे सन पंडित जी जे सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह जी एक बार हुक्म किया कि पंडित जी 14 तो बिना अखंड पाठ नहीं करना 14 शरीर जरूरी ने ते उस दिन तो लैके उन्होंने अपनी जिंदगी विच 13 बंदियां नाल अखंड पाठ नहीं किया 14 नाल ही किया ते आखना जे 14 नहीं तो पाठ बंद कर दिओ सतगुरां दा हुक्म नहीं मर्यादा तो बिना कोई काम नहीं करना। इस तरह की उन्हां दी भावना सी। सो ओ सन श्रीमान पंडित गुरचरण सिंह जी
और तीसरी हस्ती जिसका मैं जिक्र करना चाहवागा, जिन्हां दा तुसी सारिया ने बड़ा प्यार माणिया, बड़ी निघी शख्सीयत, बड़ी प्यार भरी शख्सीयत, मिठ बोलड़े सज्जण, वो बच्चियां नाल बच्चे, बीबियां नाल बीबियां वर्गे, बजुर्गां नाल बजुर्गां वर्गे, सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे एक साधक सिख श्रीमान मास्टर दर्शन सिंह जी, बड़े महान विद्वान सन, पर विद्वान हुंदियां बड़े ही निमर सन। उन्हां दे मूहों सदा यह शब्द निकलदा सी, मैं कोई विद्वान नहीं, ये शब्द उन्हां दे आम करके मूहों निकलदा सी, पर वह सचमुच विद्वान सन, वड्डे सन, बहुत सियाने सन, और वह छोटे छोटे बच्चों की गल नूं भी इस ढंग नाल सह जांदे सन कि वह सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह दा वह हुक्म कि बोल कबोल सह जाना सब दा, जे कोई मारे कुछ तां भी खिमा करनी, तुसां दा रक्षक गुरु है हर वक्त, ये उन्हां दे रोम रोम विच समाया होया सी। वह हर गल नूं पॉजिटिव ढंग नाल लैंदे सन, वह कदी नैगेटिव ढंग नाल किसी गल नूं भी नहीं सन सोचते। सो उन्हां दा एक वड्डा दायरा है, नामधारी पंथ विच बहुत सारे लोग ने जिन्हां ने नामधारी पंथ विच सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा नाल सतगुरु जी के हुक्म अनुसार मास्टर जी नूं अपना उस्ताद बना के उन्हां दे कोलों गुरमत दी गुरबाणी दी विद्या जिहड़ी है वह हासिल की है। जिथे मैं ये कह सकना कि नामधारी पंथ दा उस वक्त दा 2008 तक जिहड़ा भी इस खेत्र विच आ गया, कोई भी जथेदार प्रचारक इहो जिहा नहीं जिसने पंडित जी पासों कुछ प्राप्त ना किया होवे, इहो जिहा कोई नहीं लभ सकता। पर दूसरे पासे ये भी कह सकता हाँ कि कोई पाठी भी शायद इहो जिहा ना होवे जिसनू मास्टर जी की शो ना मिली होवे, जां मास्टर जी कोलों उसने किसी गुण की प्राप्ति ना की होवे, उन्हां दे जीवन विच्चों गुण झलकदे सन। सो उन्हां महान हस्तियां, उन्हां महान शख्सियतां, गुरु के साधक सिखां, गुरु के साबर सिखां, उन्हां महान गुरमुख प्यारे महापुरशां, सतगुर सेवह से महापुरख संसारे। कहिंदे ने महापुरख कौन हुंदे ने? सतगुरु जी कहिंदे ने जिहड़े सतगुरु की सेवा करदे ने उही महापुरख ने। सतगुर सेवह से महापुरख संसारे। सतगुरु जी दे उन्हां महान सिखां दे चरणां विच नमस्कार करदा होया और उन्हां नूं बनाउण वाले सतगुरु साहिबान दे चरणां च नमस्कार करदा होया इत्थे ही खिमा दा जाचक हाँ। सब माई भाई गज के कहो धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सर्व कला समृत
ਸਰਬ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਲਾ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਕਰ ਹੱਥ ਕਰ ਹੱਥ ਕਬੀਰ ਬੈਦ ਕਹੇ ਹਉ ਹੀ ਭਲਾ ਕਬੀਰ ਬੈਦ ਕਹੇ ਹਉ ਹੀ ਭਲਾ ਦਾਰੂ ਵੀਰੇ ਵਸ ਏ ਤੋ ਬਸਤ ਗੋਪਾਲ ਕੀ ਗੋਪਾਲ ਕੀ ਤਾ ਬਸਤ ਗੋਪਾਲ ਕੀ ਜਬ ਪਾਵੇ ਲੈ ਖਸੈ ਇਹ ਤਾ ਬਸਤ ਗੋਪਾਲ ਕੀ ਜਬ ਪਾਵੇ ਲੈ ਖਸੈ ਜਬ ਪਾਵੇ ਲੈ ਖਸੈ ਜਬ ਪਾਵੇ ਲੈ ਖਸੈ ਲੈ ਖਸੈ ਲੈ ਕੁਲਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਤਾਹੀ ਕੁਲ ਕੋ ਨਾ ਸੁਕਾਲੀ ਰਹਿ ਬੇਕੀਆ
जो मन चेत ना चेते सन जो मन मन चेते ना चेते सन ना चेते सन सो गाली रब किया रब किया जो मन फरीदा दरिया बे कने कन्ने बगुला बैठा 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 खेल करे दरिया में दरिया में कन्ने नानक फांसी गल परी नानक फांसी गल परी गल परी अचिंते बाज परी नह बारिक नह जोब ने नह बारिक
ना जोबने ना बिरदी कच पांदे ओ बेरा ना पूजिए जाओ आए परे जम फांदे अचिंते बाजे बाजे परे अचिंते बाजे परे दी सरपे सरपे सदा सदा सरपे सदा सदा एवे गई विहार नानक किसनो आखिया बिन पुछिया ही ले जाए कि बिन पुछिया ही ले जाए बिन पुछिया ही ले जाए किंचनी पाए पाए सो गाली रब दिया
मन की मन ही माही रही, मन की मन ही माहे रही। ना हर पये ना तीर्थ सेवे चोटी काल कही, जो मन कीते न जे, जो मन कित न कीते, कबीर कबीर कबीर, जो मैं कितना ना करें, जो मन कितवाओ ना करें, क्या मेरे कितवे होए। अपना कितव्या हर करें, अपना अपना कितव्या हर करें, जो मेरे कितना होए, जो मेरे कितना होए, कितना होए, जो मन कितना होए, जो मन मता करे पश्चिम कहता ही पूर्व ही रहदा जाके, मता करे पश्चिम कहता ही पूर्व ही ले जाते। खिन में था उठा पनहारा अपन हाथ मता दे, सियान पकाहू कामनायात, सियान पकाहू कामनायात, जो अनरूपियों ठाकुर मेरे, जो जो अनरूपियों ठाकुर में मेरे, होए रही ओ बात, होए रही ओ बात, होए रही ओ बात, सो गाली रा बगिया, बाज पे आज ते बाज पे, बाज पे ये जी केले करेंदे, हाँ ये जी केले करेंदे, हाँ करी
पल पल गई विहा मन जंजाल ना छोड़ी माने मन जंजाल ना छोड़ी जम दिया तू मामा आए ओ जम दिया तू मामा आए बन्ना इवें दिस दिसें फरीदा फरीदा मौतें बन्ना इवें दिसें ओ क्यों दरिया बैठा क्यों दरिया बैठा दरिया बैठा फरीदा तू दीवी बुलंदिया फरीदा तो दीवी बुलंदिया मलक बैठा आए मलक बैठा काड़ू लीता कट लुटी रुटिया काड़ लीता कट लुटिया दीवने गया बुझाए दीवने गया बुझाए सियानी सोहनी क्योंकि तो वैसा कि तय कारण पाकुड़ी काल न टले सिरा काल न टले सिरा ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰੰਗਤ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਓ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਆ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਆ ਕਾਰਨ ਆਉਣੀ ਦਿਆ ਵੈ ਧਾਏ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਇ
श्री सतगुरु बालक सिंह सिमरिया धर्म का मार्ग दिया बताए अकाल पुरख अंतरयामी श्री सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह जम तो लिया छडाए जोत का जामा श्री सतगुरु हरी सिंह सिमरिया टुटी लई मिलाए अटल प्रतापी श्री सतगुरु प्रताप सिंह सिमरिया सुच सोध नाम बाणी का प्रवाह दिता चलाए सर्ब कला समर्थ श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी सिमरिया जन्म मरण दुख जाए सतगुरु जी सब थाई होवो सहाए गुरु जी के चार साहबजादे पंज प्यारे चाली मुक्ते अस्सी शहीद बेअंत शहीदां दी कमाई वल ध्यान धरके आप जी का पवित्र नाम चेता आवे सतगुरु जी पातशाह असी सदा ही भुलणहार जीव हाँ आप सदा बख्शिंद पिता हो दरों करों सिखी सिदक बख्श बेमुख हो के न मरिए पातशाह धरती ते धर्म बरताओ कुल सृष्टि आप जी का नाम जपे कोई दुखिया रही ही ना सतगुरु जी गऊ ते गरीब दे कष्ट नू दूर करो महामलीश का नाश करो अपने संत खालसे का प्रकाश करो प्रार्थना आप जी के चरणों में गरीब नवाज साडा धर्म बनिया रहे दीना बंधु गरीब नवाज सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह आप जी की कृपा दे नाल आप दीआं प्यारियां संगतां कत्तर हो के आप जी के पावन पवित्र नाम का सिमरन किया आप जी के दर्शन निमित पिछले पैर दे दीवान सज्जे ने पढ़ी सुनी गुरबाणी अपने दर ते प्रवान करो आई साध संगत की हाजरी दर प्रवान करो ना विसरो ना विसारो रख लो बख्श लो दियो दीदार श्री सतगुरु राम सिंह नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला जो बोले सो ढाल सत श्री अकाल।